हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं आपके सामने है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं, ठीक। आइए चलिए देख लेते हैं। सब लोग अपना क्या कहते हैं कि जो लोग लगाए हैं वो मिला भी लेंगे कि कैसे है ये, ठीक। और जो लोग अभी आए हैं वो देख लेंगे कि किस तरह से ये हल होगा, ठीक। समझ रहे होंगे सब लोग, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए और शुरू करते हैं। जो जो सबसे पहले लगाने का जो तरीका होता है हम बताए हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको लिख लेना है, क्या लिख लेना है, जो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक ना, उसको आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद अच्छा आप बताइए COP ऑफ VCC क्या होता है। सब लोग जानते हैं COP ऑफ जो VCC होता है, ऊपर जो है ई ऑपरेटर का इनपुट आउटपुट, ई ऑपरेटर का आउटपुट जो होता है वो ई ऑपरेटर का आउटपुट माइनस ई ऑपरेटर का इनपुट बटे में कंप्रेसर का इनपुट आउटपुट बटे माइनस कंप्रेसर का आउटपुट, ठीक। ये चीज़ होता है। और ये रिवर्स कॉर्नोट के बराबर, रिवर्स कॉर्नोट का क्या होता है सब लोग जानते हैं, ठीक ना। अगर रेफ्रिजरेशन की, रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर के बराबर कर देंगे हम। और अगर सी ओ पी कुछ बोला नहीं है तो आपको चुपचाप रेफ्रिजरेटर के बराबर इसको रख देना है। क्या रखना है, TL बटे TH माइनस TL, इसके बराबर आपको इंथैल्पी किसकी रखनी है, कंप्रेस ई ऑपरेटर वाला और इसका वाला, ठीक। समझ रहे हैं सब लोग, चलिए मान को रख देते हैं और रख करके देख लेते हैं, ठीक ना। कंप्रेसर का जो इनपुट है, ठीक, वह क्या कहते हैं कि कंप्रेसर का जो इनपुट है वो किसका आउटपुट होगा, सब जानते हैं। कंप्रेसर का जो इनपुट है वह ई ऑपरेटर का आउटपुट होगा। चलिए 20 लिख दिया यहाँ पे। ई ऑपरेटर का आउटपुट हमें निकाल, इनपुट निकालना है, तो चलिए ई आई लिख के छोड़ देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है, दिया है कंप्रेसर का 20-35 दिया है, 35 इसका आउटपुट हो गया, 20 इसका क्या होगा, इनपुट हो गया। अब TL का मान कितना दिया है देख लेते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड TL का मान दिया है, बदल लेंगे इसको, ठीक। 273 प्लस 20 293, ठीक, बटे में 10, ठीक ना, बराबर 20 माइनस EI बटे 15, 5 दुना 10, 5 तेई 15 हो गया। यहाँ से काट लीजिए, 2 × 2, 2 × 8, 2×6 = 12.5, ठीक। इंटू 3 में गुणा कर दीजिए, 5 × 15.5, 5×6 = 30, अरे 3×6 = 18, 18×1 = 19, 3×4 = 12, 12×1 = 13, 3×3 = 4, -20 बराबर -EI। ये आपका कितना हो जाएगा, आप करेंगे तो ये आपका बन जाएगा माइनस में 20 जाएगा 400, 439 में से 0.5 जाएगा, तो ये हो जाएगा 419.5 माइनस में EI का मान, 1 kW, ऐसे होगा नहीं, इसको प्लस कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इतना आपका ये बनेगा, इस तरह से इसको आप हल कर ले जाएंगे, ठीक, अगर देता है तो। ये केवल लगाने का एक तरीका है, ठीक, कैसे दिया हुआ है ये हम अपने सामान रखें इसलिए इस तरह से आंसर आ रहा है। अभी आप लगाएंगे तो आंसर एकदम सीधे सीधे आएगा, कहीं भी ज़्यादा आपको काट पीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा आप। और एक जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसको भी हम बता देते हैं, वो भी देख लीजिए यहाँ पे। पिछला वाला क्वेश्चन जो था उसमें RP का मान आपका दिया है 2, गामा का मान निकालना है, TL बराबर 20, TH बराबर 30, और दोनों का मान क्या है, बराबर है, ये दिया हुआ है ना उसमें कि दोनों के जो मान है वो क्या है, आपस में बराबर है। बराबर होने का मतलब TL बटे TH माइनस TL बराबर, यहाँ पे RP का मान आप रखेंगे, RP का मान कितना, और इसका आप जानते हैं 1 − RP की पावर γ − 1/γ − 1, ये आपका होता है। दोनों फार्मूले देख लीजिए आपके सामने लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें लग रहा है कि आप लोग कर ले जाएंगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक ना।
आर पी पावर गामा माइनस वन बटे गामा माइनस वन, इसकी सी ओ पी बराबर कॉर्नोट रिवर्स कॉर्नोट की सी ओ पी जो है बराबर हो गई। अब टी एल का मान कितना है, 273 प्लस 293 बटे में 10। ठीक, समझ में आ रहा है ना, कहीं पे दिक्कत होगी आप बताइएगा। 1 माइनस आर पी का मान 2, गामा माइनस वन बटे गामा ये मान दिया नहीं है, ये मान आपको निकालना है माइनस वन। ठीक, यहाँ से आप काटेंगे 29.3, ये हो जाएगा, इधर आपका मान हो जाएगा 2 की पावर गामा माइनस वन बटे गामा माइनस वन बराबर 29.1/29.3, ये भाग होगा तो ये हट जाएगा आपका, 29.3 बन जाएगा, या इसी के बराबर 2 की पावर गामा माइनस वन बटे गामा बराबर 1/29.3+1। अब यहाँ से आप गामा का मान फाइंड कर ले जाएंगे। ठीक, यहाँ से गामा का मान क्या होगा आप निकाल ले जाएंगे, कैसी की मदद से निकाल लीजिएगा गामा का मान रख के। ठीक ना, इस तरह के सवाल देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सवाल हम आपके सामने दिए हुए हैं ये, इस तरह के सवाल एग्जाम में भी आते हैं। ठीक, तो देख लीजिएगा और लगा लीजिएगा इस तरह से, और फिर उसके बाद जब ये आ जाएगा गामा का मान, गामा बराबर मान लीजिए कुछ फाइंड हो गया, यहाँ से भी आप सी ओ पी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो सी ओ पी होगी वही तो इसको सी ओ पी होगी, क्योंकि दोनों क्या है बराबर हैं। ठीक, तो यहाँ से भी आप सी ओ पी निकाल सकते हैं, कितना 29.3, यही इसकी सी ओ पी होगी, किसकी, रिवर्स कॉर्नोट की भी, और ये वी सी सी नहीं, रेफ्रिजरेशन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की। ठीक, ये दोनों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हुआ है। ठीक ना, अब इसको आप कर ले जाएंगे, देखिए साफ नहीं दिख रहा है आपको, देख लीजिए 2 की पावर गामा माइनस वन बटे गामा माइनस वन बराबर 1/29.3 हो गया। यहाँ पे ये मान आप रखेंगे, ये मान रखने के बाद आप ये हल करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक, आर का गामा का मान जो है आप अपने से निकालेंगे कैसीओ की मदद से, और कोई क्वेश्चन तो बताने लायक है नहीं इसमें हमको लगता है। चलिए ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, अगले लेक्चर पे फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, अभी 5 ही 6 क्वेश्चन शायद बताए हुए हैं, 7वां क्वेश्चन चलेंगे। देखिए रेफ्रिजरेंट से पहले जो है हम 5-6 लेक्चर इसी में इंक्लूड करके आपको पूरा बता देंगे, जिससे कोई दिक्कत ना हो, जो लोग हल नहीं कर पा रहे हैं वो भी हल कर ले जाए। ठीक, तो देख लीजिएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा बताइएगा, तो हम फिर आपको दोबारा जो है क्या करेंगे देंगे। ठीक, तो आप कर ले जाइएगा उसको, क्योंकि जहाँ पे नहीं समझ में आएगा दोबारा हम हल देते हैं हमेशा, आपको पता ही है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि आप करेंगे, करने के बाद जब नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर ग्रुप में लिख के भेज दीजिएगा, आप लोगों का ग्रुप है कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप बताएंगे और कर लेते हैं। कुछ लड़के हल करते हैं, कुछ लड़के हल भी नहीं करते, हमें यह भी पता है, कुछ क्या हमें लगता है कि लगभग 20% लड़के केवल करते हैं, बाकी लोग तो केवल अपना डाटा ऐसे ही ख़त्म करते हैं इधर उधर चीज़ों में। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, ओके, थैंक यू।